आज नित्यानंद प्रभु का व्यास पूजा का सेरेमनी सेलिब्रेशन मनाया जाएगा। व्यास पूजा गुरु पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। तो सारी तैयारी कल हो चुकी थी व्यास पूजा की। महाप्रभु श्रीवासे रबोले प्रीत महाप्रभु श्रीवासे रबोले हरि हरि ध्वनि करे वैष्णव सकाले हरि हरि ध्वनि करे वैष्णव सकाले विश्वंभर बोले सुना श्रीपाद गोसाई कर सबे पंडी तेरा घर जाई शुभ कर सबे पंडी। महाप्रभु श्रीवास ठाकुर ने जब महाप्रभु को कहा कि सारी तैयारी सब सामान की व्यवस्था है और व्यास पूजा जो है वो मेरे घर पे बोल रहे हैं मेरे घर पे ही व्यास पूजा मनाया जाएगा ना, ऐसा जब महाप्रभु शिवास पंडित ने जब महाप्रभु से कहा महाप्रभु बड़े प्रसन्न हुए और सारे वैष्णव लोग भी स्वागत किए हरि हरि कह के। फिर नित्यानंद प्रभु की ओर देखते हुए महाप्रभु बोलते हैं कि हे श्रीपाद गोसाई कृपा करके सुनिए, आपकी आशीर्वाद से कल हम लोग अब यहाँ से श्रीवास पंडित के घर जाएंगे। आनंदित नित्यानंद प्रभु रचरणे आनंदित नित्यानंद प्रभु र वचने से क्षणे आज्ञा लई करिला गमने नित्यानंद प्रभु बड़े प्रसन्न हुए श्री चैतन्य महाप्रभु के वचन को सुनकर। और फिर भगवान के आदेश के अनुसार सब लोग श्रीवास पंडित के घर की ओर चल दिए। सर्वगण चली लाठा पुर सर्वे गण चली लाठा विश्वंभर राम कृष्ण वेदी जैन गोकुल की कर राम कृष्ण वेदी जैन गोकुल की कर। कल हम लोग ये सब पढ़े हैं, इसको रिपीट कर रहे हैं।
सारे जितने भक्त थे सब चल दिए, है ना। भगवान नित्यानंद प्रभु और चैतन्य महाप्रभु दोनों के साथ, और ऐसे जब जा रहे हैं तो इस प्रकार से लग रहा है जैसे राम, भगवान राम और बलराम और भगवान कृष्ण जिस प्रकार से गोकुल में चलते थे और चारों तरफ उनके भक्त उनको घेर कर चलते थे, उसी प्रकार का दृश्य ऐसा प्रतीत हो रहा है। प्रविष्ट हईला मात्र श्रीवास मंदिर रे, बड़ कृष्णानंद हईला सबर शरीर रे, सब लोग श्रीवास पंडित के घर में पहुंच गए और बहुत सबको बड़ा ही आनंद हुआ सबके शरीर में। कपट पढ़ीला तबे प्रभुर आज्ञा, गण बिनारो जाइते न पाए, तो उन्होंने आदेश दिया अंदर जाकर कि बाहर से दरवाजा बंद कर दिया जाए, डोर लॉक, ताकि कोई अंदर नहीं आ पाए। केवल जो भगवान के घनिष्ठ संगी थे पार्षद उन्हीं की एंट्री अलाउड थी उसमें, है ना, और किसी की एंट्री नहीं थी। क्योंकि अब कीर्तन शुरू होने वाला है, पूरी रात कीर्तन होती है और उस कीर्तन में सबकी एंट्री अलाउड नहीं है। महाप्रभु जब कीर्तन करते थे उसमें कुछ विशेष लोगों की एंट्री बैठ, कीर्तन करीते आज्ञा करीला ठाकुर, ला कीर्तन ध्वनि बाय गेल दूर, चैतन्य महाप्रभु आज्ञा दिए भक्तों को कि भक्त लोग कीर्तन शुरू करें। कीर्तन करिते आज्ञा करिला ठाकुर, ठाकुर चैतन्य महाप्रभु भक्तों को आज्ञा दिए कि अब आप लोग कीर्तन शुरू कर दीजिए। तो कीर्तन इतना जोर से आवाज़ आ रही थी अंदर से कीर्तन की, दूर दूर तक आवाज़ आ रहा था कीर्तन का। व्यास पूजा अधिवास कुलस कीर्तन, प्रभु नाचे वेड़ी गाए भक्त गण, प्रभु नाचे गाए भक्त। तो इस प्रकार से अधिवास कीर्तन शुरू हुआ। अधिवास का मतलब है कि जिस दिन मेन फंक्शन होता है उससे एक दिन पहले जो इवनिंग को जो प्रोग्राम होता है संध्या में, उसको अधिवास कहा जाता है ना। तो कल व्यास पूजा है लेकिन आज अधिवास हो रहा है ना।
और कीर्तन चल रहा है उल्लास से। दुई प्रभु नाचे, दुई प्रभु मतलब गौरांग महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु, दोनों नाच रहे हैं और भक्त लोग गा रहे हैं चारों तरफ से घेर कर। चिर दिवसेरा प्रेमे चैतन्य निताई, नाचे एक ठाई। तो दोनों जो हैं, कौन नित्यानंद प्रभु और चैतन्य महाप्रभु, इन दोनों का आपस का प्रेम जो है वो ये नित्य प्रेम है ना, चिर दिवसेर प्रेम। ये नहीं कि अभी 5 दिन पहले मिले हैं तब से प्रेम शुरू हुआ है, क्योंकि भगवान है दोनों, है ना। तो इसलिए कह रहे हैं कि चिर दिवस है, मतलब अनादिकाल से आपस में प्रेम है, रिलेशन है दोनों का, चैतन्य निताई। इसलिए दोनों एक साथ नाच रहे हैं और नाचते समय एक दूसरे का ध्यान कर रहे हैं, वहीं पर नाच रहे हैं, वहीं पर ध्यान कर लगा रहे हैं एक दूसरे का। आप देखें दो व्यक्ति ये सामने हमने सामने बैठा है, एक दूसरे का ध्यान कर रहा है, सामने बैठे हैं तो किसका ध्यान कर रहे हैं, उसी व्यक्ति का ध्यान कर रहे हैं, सामने वो व्यक्ति बैठा है, हो सकता है ऐसा हम नहीं देखते हैं ना। लेकिन यहाँ पर दोनों एक दूसरे के साथ नाच रहे हैं और साथ ही साथ मेडिटेशन में भी है एक दूसरे के ऊपर। क्या मेडिटेट कर रहे हैं, जब व्यक्ति सामने है तो मेडिटेट क्या कर रहे हैं, बताइए। हाँ महिमा, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, सीखना चाहिए कला, है ना। एक दूसरे के शरीर देखने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, बॉडी से ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक दूसरे की महिमा को याद करना है कि नहीं। महिमा याद नहीं है तो क्या होगा, कैजुअलिटी, कैजुअल बिहेवियर है कि नहीं। व्यक्ति का क्वालिटी के ऊपर मेडिटेट करना चाहिए, क्या क्वालिटी के ऊपर, तब उसका वैल्यू समझ में आएगा है कि नहीं। इसलिए मेडिटेशन है, समझ में आ रहा है मेरी बात जी प्रभु। हुंकार कराए के हा के हा बागर जाना, के हा मूर्छा जाए के हा कराए क्रंदाना, ऐसा हो रहा है कि उसमें कोई व्यक्ति जो है वो हुंकार कर रहा है, कोई गर्जन कर रहा है, कोई मूर्छित होकर गिर जा रहा है, कोई रो रहा है, ऐसा कीर्तन देखें कहीं सरमोगर प्रभु। ये चैतन्य महाप्रभु के संगी लोग ही करते हैं ऐसा कीर्तन, है ना। कीर्तन तो बहुत देखा हमने लेकिन ऐसा नहीं, ये विशेष कीर्तन है, भगवान जब कीर्तन करते हैं तो ऐसे करते हैं। कंप स्वेद फूल काश्रु
आनंद मुचायता ईश्वरे रविकार कहिते जानिकत वृंदावन दास ठाकुर जी कह रहे हैं कि उस समय भगवान और भक्तों के जो विग्रह हैं शरीर उसमें कितने प्रकार के नाना प्रकार के जो विकार उत्पन्न हो रहे हैं, है ना, विकार तो उसका वर्णन यहाँ पर करें, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता, मैं कितना वर्णन करूँगा, कुछ गिन के सुना दे रहा हूँ, लेकिन रियलिटी है कि मैं बता नहीं सकता सारा डिटेल में। ऐसे यहाँ पे ग्रंथकार ऐसा कह रहे हैं, कौन ग्रंथकार है, वृंदावन दास ठाकुर जी कह रहे हैं, कंप शरीर सबका कंपित हो रहा है, स्वेद है, स्वेद मतलब पसीना आना, पुलक अश्रु शरीर पुलकित हो रहा है, आंखों से अश्रु गिर रहे हैं, आनंद में मूर्छित हो जाते हैं, है ना, ये सब ईश्वरेर विकार कहिते जानिकत, भगवान में कितने प्रकार के विकार आ रहे हैं उसको कौन बता सकता है, नहीं बताया जा सकता। स्वानुभावानंदे नाचे प्रभु दुई जाना, कोला कुली करे करे क्रंदना, कोला कुली करे। स्व अनुभव आनंदे, कुछ अनुभव कर रहे हैं, है ना, और उसमें अनुभव के कारण आनंद जो प्रकट हो रहा है, इसलिए कहा गया स्व अनुभव आनंदे, मतलब दिखावा नहीं, जो फील हो रहा है अनुभव से उसी का आनंद है, है ना, उस आनंद में फिर क्या कर रहे हैं, नाचे। एक तो होता है कि नाचना है, चलो सब नाच रहे हैं तो मैं नहीं नाचूंगा, तो थोड़ा चलो ठीक है, मन भी नहीं कर रहा तो नाचते हैं, लेकिन एक यहाँ पे बताया जा रहा है कि स्व अनुभव आनंदे नाचे, कुछ ऐसा एक्सपीरियंस हो रहा है दोनों को, तो उस एक्सपीरियंस के कारण जो आनंद हृदय में आ रहा है, वो आनंद अपने आप जो है उनको नचा रहा है, कहने का अर्थ है। और क्षणे कोलाकुली करे, कोलाकुली मतलब एक दूसरे को आलिंगन कर रहे हैं, एक क्षण में आलिंगन करते हैं फिर रोते हैं आपस में, रोते क्यों हैं, प्रेम अश्रु आनंद के अश्रु हैं, है ना, जब आनंद आता है ना तो अश्रु, जैसे व्यक्ति को दुख होता है तो आँख से आंसू निकलते हैं ना, उसी तरह से एक आनंद का भी आंसू होता है, पता नहीं आप लोगों ने कभी आनंद के आंसू महसूस किए कि नहीं, सुख आनंद में आंसू होता है, एक प्रेम का आंसू होता है, एक आनंद का आंसू होता है, कई वैरायटी के आंसू होते हैं, दुख के आंसू गर्म होते हैं, सुख के आंसू ठंडे होते हैं, जानते हैं आप लोग आंसू के टेम्परेचर से बताया जा सकता है कि ये दुख का है या सुख का। तो दुख के आंसू क्या है, गर्म होते हैं, ये आनंद के आंसू अश्रु बह रहे हैं, रो रहे हैं, खुश हैं, कहने का अर्थ है कि प्रसन्न है, आपस में मिलकर कीर्तन कर रहे हैं, भगवान का गुणगान करते हुए, कोलाकुली। दोहार चरणा दोने धरी
चाहे चातुरा दूने के नहीं पाए तो दोनों प्रयास कर रहे हैं एक दूसरे के चरण पकड़ने के लिए। गौरांग महाप्रभु चरण पकड़ने के प्रयास कर रहे हैं नित्यानंद प्रभु का, और नित्यानंद प्रभु चरण पकड़ने का प्रयास कर रहे हैं किसका? महाप्रभु का। जानते थे ये बात आप? नहीं जानते थे? आप लोग जानते थे जो लोग सुन रहे हैं ऑनलाइन? दोनों एक दूसरे के चरण पकड़ने का प्रयास कर रहे हैं, नहीं जानते होंगे। इसलिए चैतन्य भागवत पढ़ेंगे तो पूरा डिटेल में सूचना मिलेगा। लेकिन दोनों एक दूसरे के चरण पकड़ने का प्रयास कर रहे हैं लेकिन पकड़ नहीं पा रहे, क्योंकि दोनों एक दूसरे बहुत चालाक है, चतुर हैं, इसलिए चतुराई से बच जा रहे हैं, पकड़ने नहीं दे रहे हैं। प्रयास कर रहे हैं दोनों, लेकिन दोनों बच जा रहे हैं, नहीं पकड़ने दे रहे हैं। तो मतलब कहने का कि हमें एक दूसरे के चरण पकड़ने का प्रयास करना चाहिए, तब साथ ही साथ चालाक भी रहना चाहिए, अपने नहीं पकड़ने देने का। दूसरे का पकड़ लो लेकिन अपना मत पकड़ने दो, है ना। फिर सब लोग अगर चालाक हो गए ऐसे तो कोई किसी का नहीं पकड़ पाएगा, लेकिन सब पकड़ने का प्रयास करेंगे, प्रयास में ही सफलता है। क्या सफलता में सफलता नहीं है, प्रयास में ही सफलता है। समझ में आ रहा है क्या? सब लिख रहे हैं, हम नहीं जानते। हाँ, मुझे तो प्रश्न पूछा तो सबके जवाब आ सके। हाँ नहीं जानते थे, मुझे पता था। तो देखिए, प्रयास में ही सफलता है ना, सफलता में सफलता नहीं है, क्योंकि भगवान हमारा प्रयास देखते हैं, सफलता नहीं। परम आनंदे दुने गड़ गड़ी जाए, अपना न जाने दूने अपना मिलाए, गड़ागड़ी जाए। गड़ागड़ी, गड़ागड़ी मतलब जानते हैं, गड़ागड़ी मतलब जमीन पे लौटना, धूल में लौटना। चलो सेवा सागन में काफ़ी धूल होगा इस समय, है ना। तो यहाँ तो धूल नहीं है, अब कहाँ गड़गड़ी करेंगे। सेवा सागन में काफ़ी धूल था, उसी में क्या कर रहे हैं, दोनों ग्राउंड पे लौट रहे हैं, जमीन पे लौट रहे हैं एक स्टेसी में, और उसमें भूल गए एक दूसरे के। कभी कभी बोलते हैं अपना व्यक्ति भूल जाता है, शुद्ध बुद्ध खो बैठे दोनों, अपनी लीलाओं में ही खो बैठे। बाह्य दूर गे हैला बसन नहीं रहे, धरे वैष्णव गण धरण न जाए, तो बाहरी चेतना जो है वो खो चुके हैं दोनों, मतलब बाहरी चीज़ों का भान नहीं है ना। कई बार नहीं, जैसे रात में व्यक्ति सो जाता है, सपने देखता है, तो बाहर क्या चल रहा है, उसी के बगल में कोई कुछ कर रहा है, उसको पता नहीं चलता। उसी तरह से हालांकि जगे हुए सो नहीं रहे हैं, लेकिन जगे हुए में भी बाहरी शुद्ध खो बैठे हैं,
है ना, और दोनों के कपड़े इधर उधर अस्त व्यस्त हो गए हैं। बाकी जो भक्त हैं उन सब वो सब पकड़ने का प्रयास कर रहे हैं, शांत करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन पकड़ में नहीं आ रहे हैं। जय धराय त्रिभुवाना के धरी बतारे, महामत दुए प्रभु के तन बिहारे, महामत दुए प्रभु कीर्तन बिहारे, प्रकार से कह रहे हैं कि जो व्यक्ति तीनों लोगों को अपने मस्तक पर धारण करते हैं है ना, उनको कौन पकड़ सकता है। कह रहे हैं कि जे धारय त्रिभुवन है, तो दोनों में कौन तीन त्रिभुवन को अपने ऊपर धारण करते हैं, नित्यानंद प्रभु अनंत शेष के रूप में है ना। तो जो सबको धारण कर रहे हैं उनको कौन पकड़ सकता है, मतलब उनकी कितनी शक्ति होगी, उनको वो जब नाच रहे हैं तो कौन पकड़ेगा उनको, इतना पावरफुल व्यक्ति को कौन पकड़ सकता है। दोनों प्रभु महामत्त होकर कीर्तन में नाच रहे हैं, महामत्त होकर नाच रहे हैं ना? महामत्त हुई कीर्तन बिहारे, महामत्त होकर कीर्तन में नाच रहे हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोला बोला बोली डाके श्री गौर सुंदर, सिंचित आनंद जले सर्वकले नित्यानंद पाई अभिलाषे, नित्यानंद पाई अभिलाषे, बह नहीं आनंद सा बरे माझे भासे, विश्वम्भर नृत्य करे अति मनोहर, विश्वम्भर
सिर लागे गिया चरण उपार बोलो हरि बोलो, ऐसा कह के श्री गौर सुंदर उच्च ध्वनि करते हैं। प्रेमानंद के जल से समस्त शरीर उनका भींग गया है और नित्यानंद जी की भी चिरकाल की मनोवांछित वस्तु को प्राप्त करके बाह्य ज्ञान शून्य हो गए हैं और आनंद के सागर में बहे जा रहे हैं। चिरकाल की मनोवांछित वस्तु क्या है? यहाँ नित्यानंद प्रभु कृष्ण का स्थान, प्रभु विश्वंभर अति मनोहर नृत्य करते हैं, उनका मस्तक चरणों से जा लगता है और नित्यानंद जी के चरणों के ताल से पृथ्वी डगमगाती है, तो सब वैष्णव जन समझते हैं कि भूकंप हो रहा है। नित्यानंद प्रभु जब नाचते हैं तो पृथ्वी हिलने लगती है, सारे वैष्णव समझते हैं कि भूकंप आ गया लगता है। इस प्रकार आनंद में दोनों प्रभु नाच रहे हैं, उस उल्लास को वर्णन करने की सामर्थ्य किसमें है? तब नित्यानंद जी का स्वरूप क्या है, इसको प्रकट करने के लिए प्रभु विश्वंभर बलराम जी के भावावेश में श्री विष्णु सिंहासन पर जा बैठे। अब बताना चाहते हैं नित्यानंद प्रभु के तत्व को। कौन? महाप्रभु। तो बलराम के आवेश में आ गए महाप्रभु, बलराम के मोड में आकर और सिंहासन पर जाके, विष्णु के सिंहासन पर जाके बैठ गए। बलराम जी के भाव में प्रभु महामत हो गए और मद लाओ कहकर बार बार पुकारने लगे। बार बार बोलने लगे मद लाओ, मद मतलब हैं शराब, शराब लेके आओ, शराब लेके आओ। बलराम जी वारुणी पीते हैं ना, वारुणी। फिर नित्यानंद जी के प्रति श्री गौर सुंदर बोले, शीघ्र ही मुझे हल मुसल दो। एक हाथ में हल और मुसल भी मेरा लेके आओ, कहाँ है? बलराम जी के हाथ में हल मुसल होता है ना। महाप्रभु की आज्ञा पाकर प्रभु नित्यानंद हल मुसल प्रभु के हाथों में अर्पण करते हैं और वे हाथ पसार कर ले लेते हैं। कोई तो हाथ ही देखते हैं और कुछ भी नहीं देख पाते हैं, परंतु किसी किसी ने हल मुसल प्रत्यक्ष देख पाया, ऐसे पकड़ा रहे हैं झूठ मूठ का ऐसे ऐसे हाथ। तो कुछ लोग दिखा रहे केवल ऐसे बोल ये लीजिए, तो कुछ लोगों को लग रहा है केवल हाथ ऐसे कर रहे हैं, और कुछ लोगों को वास्तव में दिखा कुछ एक हाथ में हल है एक हाथ में मुसल है, ऐसे दे रहे हैं वास्तव में। कुछ लोग नहीं दिखा, कुछ लोगों को दिखा है, कुछ लोग लगे केवल हाथ ऐसे कर रहे हैं, कुछ लोग को दिखा कि नहीं हल और मुसल है। विचित्र बात। जिस पर वे प्रभु कृपा करते हैं वही उनको जान पाता है और देख पाता है। तो वहीं पे देखिए, कुछ लोगों को दिखाई दे रहा है, कुछ लोगों को नहीं दिखाई दे रहा है, और देखने पर भी उसे वर्णन करने की शक्ति तो किसी में भी नहीं होती है। यह पूर्वोक्त चरित्र अति गूढ़ है, इसलिए इसे कोई बिरला ही जानता है और उन्हीं सब भाग्यवानों के निकट ही नित्यानंद प्रभु व्यक्त हैं, अर्थात वे ही उनके तत्व को जानते हैं। श्री नित्यानंद जी से हल मुसल लेकर प्रभु मतवाले होकर बारुणी बारुणी कह कहकर पुकारते हैं। उस समय किसी की बुद्धि काम नहीं देती है और कोई उपाय नहीं सोचता है, सभी एक दूसरे का मुख ताकते हैं कि भाई बारुणी कहाँ से लाऊं, क्या मांग रहे हैं, बारुणी बारुणी कर रहे हैं, बारुणी कहाँ से आएगा। फिर कुछ सोच विचार कर सबने एक घड़ा में गंगा जल भरकर प्रभु को ला के दे दिया। सब लोग तो जल दे रहे हैं और प्रभु पी रहे हैं, परंतु प्रभु को ऐसा लग रहा है कि सचमुच में ही बारुणी पी रहा हूँ। मतलब ये भाव की चीज़ें हैं ये सब, है ना। इससे क्या पता चलता है, ये सब भाव है, भाव लेवल पे बारुणी पी रहे हैं, गंगा जल में उनको बारुणी का आस्वादन हो रहा है। ये बड़ा कठिन चीज़ है समझना, है ना। इसी बात को समझाने के लिए महाप्रभु आए हैं। नहीं तो गंगा जल में बारुणी का भाव कैसे आ जाएगा, भाव बारुणी में नहीं है, भाव भाव में है,
बारूणी क्या है, एक मीडियम है जिसके थ्रू भाव एक्सप्रेस हो रहा है ना, इस बात को समझना है। चारों ओर भक्तगण बलराम स्तुति पढ़ रहे हैं और प्रभु निरंतर नाड़ा 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 कह रहे हैं। नाड़ा मतलब अद्वैत आचार्य को नाड़ा बोलते हैं, नाड़ा। आप जोर जोर से सिर हिलाते हुए नाड़ा नाड़ा ऐसे कहते हैं, परंतु नाड़ा के गुण अर्थ को कोई भी नहीं समझ पाता है। ये नाड़ा कौन है किसी को पता नहीं, अभी तक पता नहीं, केवल वही बोलते हैं वही जानते हैं। तब सब बोले प्रभु आप नाड़ा नाड़ा किसे कह रहे हैं। प्रभु बोले जिसके हुंकार से मैं आया हूं उसे ही, जिसके हुंकार से मैं आया उसी को तो बोल रहा हूं मैं। तुम लोग जिसे अद्वैत आचार्य कहकर पुकारते हो उसी को नाड़ा बोल रहा हूं मैं, उसी नाड़ा के लिए मेरा यह अवतार हुआ है। अब वही नाड़ा मुझे बैकुंठ से ले आया है और अब वह हरिदास को लेकर वहां निषिद्ध जा बैठा है। मेरे को यहां बुला दिया, खुद शांतिपुर में जाकर बैठा है हरिदास को लेकर। संकीर्तन आरंभ करने के लिए मेरा यह अवतार है, मैं घर घर में कीर्तन का प्रचार करूंगा। विद्या धन कुल ज्ञान तपस्या आदि के अभिमान के कारण जिन लोगों का मेरे भक्तों के निकट अपराध हुआ है उन सब अधम लोगों को मैं अपना भक्ति योग नहीं दूंगा। मतलब जो लोग ध्यान जो अपराध किए हैं, विद्या धन कुल ज्ञान तपस्या आदि के अभिमान के कारण जो लोग मेरे भक्तों के प्रति अपराध किए हैं उनको नहीं दूंगा, लेकिन उनको छोड़कर, करें उनको छोड़कर, ऐसे लोगों को छोड़कर बाकी जितने जनसाधारण लोग हैं सबको भी मैं ब्रह्मा आदि को दुर्लभ भोग प्रदान करूंगा। जो ब्रह्मा आदि के लिए भी दुर्लभ है वो प्रेम प्रदान करूंगा सबको, केवल एक व्यक्ति को नहीं दूंगा। किसको? जो भक्तों के प्रति अपराध करते हैं। प्रभु के वचनों को सुनकर सब भक्त लोग आनंद में बहने लगे। कुछ समय पश्चात श्री सचिनंदन स्थिर होकर पूर्व दशा में आ गए और पूछने लगे कि मैंने क्या चंचलता कर डाली है। फिर बाद में पूछते भी है, मैंने कुछ गड़बड़ तो नहीं किया, कोई चंचलता तो नहीं की मैंने भाव में। उनको पता था कि भाव में आके मैं कुछ कुछ करता हूँ, है ना। बाद में पूछते भी है, मैंने कुछ ऐसा वैसा तो नहीं किया भाव में आके, चंचलता तो नहीं की। भक्त लोग बोले स्वरूप से बाहर की ऐसी कुछ बात नहीं है कि लव, जो भी आपका स्वरूप ही ऐसा है उसी के अंदर किया आपने। तब प्रभु सबको प्रेम पूर्वक आलिंगन करते हैं और कहते हैं आप लोग कभी मेरा अपराध मत लीजिएगा। क्या कहते हैं? आप लोग कभी मेरा अपराध मत लेना, मैं कुछ ऐसे ऐसे कर देता हूँ, आप लोग उसको ऑफेंस मत एक्सेप्ट मानना। क्षण में वे हंसते हैं, क्षण में रोते हैं और क्षण में दिगंबर हो जाते हैं। दिगंबर, दिगंबर मतलब कपड़े खोल दिया, क्यों? बाल भाव में चले गए। कृष्ण बलराम जो छोड़े थे यशोदा की गोद में तो नंगे ही रहते थे उस भाव में। भाव प्रधान है ना बाल भाव में। बड़ा मुश्किल है समझना है, इसलिए बाहर बोले दरवाजा बंद कर दो, कोई समझ नहीं पाएगा, है ना। कहीं दंड पड़ा हुआ है तो कहीं कमंडल और कहीं वस्त्र पड़े हैं। इस प्रकार परम धीर नित्यानंद जी अत्यंत चंचल हो गए, तब प्रभु ने स्वयं उनको पकड़ के स्थिर कर दिया। नित्यानंद प्रभु का यह हल हुआ था तो भगवान ने उनको पकड़ लिया, है ना। ऐसा मत करो। नित्यानंद जी मतवाले हाथी की तरह केवल एक चैतन्य प्रभु के वचन रूपी अंकुश को ही मानते हैं और किसी को कुछ समझते ही नहीं है। प्रभु कहते हैं शांत हो श्रीपाद, कल को तो आप व्यास पूजा करना चाहते हैं। इस प्रकार उनको स्थिर कराकर आप प्रभु अपने घर को गए। भक्तगण भी सब अपने अपने घर को गए, नित्यानंद जी श्रीवास के घर में रह गए। कुछ रात होने पर नित्यानंद जी ने हुंकार करते हुए अपने दंड कमंडल को तोड़ फोड़ डाला। थोड़ा रात बीत गया, सोते सोते अचानक कुछ हुआ होगा, भाव आया होगा कुछ, हुंकार करते हुए जो दंडा था अपना दंड संन्यास दंड, संन्यास दंड और कमंडल दोनों पटक पटक के तोड़ दिए रात में, जो जो स्वीकार करते हैं।
प्रातःकाल उठकर रमाई पंडित ने देखा कि दंड का मंडलू टूटे फूटे पड़े हैं। यह देखकर उनको बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने तुरंत ही जाकर श्रीवास पंडित को यह बात सुनाई तो वे बोले कि तुम प्रभु के पास जाओ। श्री रामाई के मुख से समाचार पाकर प्रभु आए। प्रभु मतलब चैतन्य महाप्रभु। तो देखते हैं कि नित्यानंद जी को बाह्य ज्ञान कुछ नहीं है और वे खूब हंस रहे हैं, खूब हंस रहे हैं, दंड का मंडल तोड़ के हंस रहे हैं। प्रभु ने दंड को उठाकर अपने श्री हस्त में ले लिया और नित्यानंद जी को लेकर गंगा स्नान को चल पड़े। श्रीवास आदि सब भक्त साथ चले। गंगा में पहुंचकर प्रभु ने स्वयं दंड को गंगा जी में विसर्जन कर दिया। नित्यानंद जी चंचल बने हुए हैं, किसी की बातों को नहीं मानते हैं। तब प्रभु ने एक बार गरज कर कुछ डांट दिया। नित्यानंद जी मगरमच्छ को देख लेते हैं गंगा जी में और देखकर उसे पकड़ने जाते हैं। गदाधर जी और श्रीवास हाय हाय करके चिल्ला उठते हैं। आप निर्भय होकर गंगा के मध्य में तैर रहे हैं। केवल श्री चैतन्य प्रभु के वाक्य से ही कुछ शांत हो जाते हैं। तब प्रभु विश्वभर पुकार कर नित्यानंद जी से कहते हैं, श्रीपाद चलो ना, शीघ्र चलकर व्यास पूजा करो। प्रभु के वचन सुनकर वे निकल आए और स्नान करके प्रभु के साथ घर आए। कृष्ण कृष्ण कीर्तन निरंतर करते हुए सब भक्त लोग भी वहाँ आ मिले। व्यास पूजा के आचार्य श्रीवास पंडित हैं और वे श्री चैतन्य चंद्र की आज्ञा से सब कार्य करते हैं। सब मधुर मधुर कीर्तन करते हैं। अहो, श्रीवास का घर वैकुंठ धाम बन गया है। सर्वशास्त्र के ज्ञाता श्रीवास पंडित ने वेद विधि के अनुसार व्यास पूजा संबंधी सब कार्य यथावत संपन्न किया। फिर दिव्य गंध युक्त एक सुंदर वनमाला नित्यानंद जी के हाथ में देकर बोले, सुनो नित्यानंद जी, सुनो, यह माला लो और मंत्र पढ़ करके व्यास देव को नमस्कार करो। बोले कि यह माला लो और मंत्र पढ़ो, ये मंत्र पढ़ के व्यास देव जी का नमस्कार करो। शास्त्र की ऐसी विधि है कि माला स्वयं पहिरावें, व्यास जी के प्रसन्न होने पर सब अभीष्ट प्राप्त होगा। नित्यानंद जी जो भी सुनते हैं केवल हाँ 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 कर देते हैं। कौन मंत्र पाठ करे, ये तो समझाने पर मानते ही नहीं है। बोले मंत्र नहीं पढ़ूंगा, हाँ हाँ बोलो, हाँ हाँ ये मंत्र पढ़िए, हाँ हाँ। धीरे धीरे न जाने क्या कुछ कुछ कहते जाते हैं, अपने कुछ बुदबुदा रहे हैं अपने मन से, कोई और ही चीज़ बुदबुदा रहे हैं। वो जो मंत्र बोल रहे हैं वो नहीं बोल रहे हैं, समझ में नहीं आता। फिर माला हाथ में लेकर चारों ओर देखते हैं व्यास देव को कहाँ हैं, ढूंढ रहे हैं किधर है व्यास देव, किसके गले में माला डालें। तब तो उदास श्रीवास जी प्रभु को पुकार कर कहते हैं, हे प्रभु, आपके ये श्रीपाद व्यास पूजा नहीं करते हैं। चैतन्य महाप्रभु बोले, देखिए इनका स्वभाव देखिए, न मंत्र पढ़ रहे हैं, हम माला इधर उधर कर देख रहे हैं, माला दिया मैंने इनको, लगता है व्यास पूजा नहीं कराना चाहते हैं। श्रीवास जी के वचन को सुनकर प्रभु भी स्वयंभर दौड़कर नित्यानंद प्रभु के सन्मुख आए और बोले, नित्यानंद जी मेरी बात सुनो, माला अर्पण करके झटपट व्यास जी की पूजा कर डालो। व्यास जी को नहीं चढ़ा रहे हैं, व्यास जी के मूर्ति उनको माला चढ़ाना है, नहीं चढ़ा रहे हैं, इधर उधर देख रहे हैं। तो विश्वंभर भगवान विश्वंभर है, बोले जल्दी से चढ़ाइए ना, क्या देर कर रहे हैं। श्री नित्यानंद प्रभु जी ने प्रभु विश्वंभर को देखा और माला उठाकर उनके मस्तक पर चढ़ा दी। प्रभु के घुंघराली अलकावली पर माला अत्यंत शोभा देने लगी। उसी क्षण प्रभु विश्वंभर षडभुजधारी बन गए। जैसे ही माला पहनाया तो चैतन्य महाप्रभु क्या बन गए, षडभुजधारी, छह भुजाधारी। इसीलिए मैं चढ़ा नहीं रहे थे कि भगवान यहाँ है तो व्यास जी को क्या चढ़ाना है, ऐसे सोच रहे थे। प्रभु की छह भुजाओं में शंख चक्र गदा पद्म हल और मुसल, क्या शंख चक्र गदा पद्म हल और मुसल, मतलब बलराम वाला भी रूप था। एक षडभुज तो वहाँ दिखाए थे सार्वभौम भट्टाचार्य के घर पे, वो अलग था, राम कृष्ण और गौर, ये षडभुज अलग है ना। षडभुज के दर्शन करके निताई प्रभु मूर्छित हो गए और पृथ्वी पर गिर पड़े तथा संज्ञा शून्य हो गए। यह देखकर सब वैष्णव लोग भयभीत हो गए। हे कृष्ण रक्षा करो, हे कृष्ण रक्षा करो, यह कहकर भगवान को स्मरण करने लगे। तब तो जगन्नाथ नंदन प्रभु गौर सुंदर हुंकार करते हैं और बगल बजाते हुए बारंबार जोर जोर से गरजते हैं। नित्यानंद जी षडभुज दर्शन करके मूर्छित पड़े हैं और श्री चैतन्य देव स्वयं अपने हाथों से उन्हें पकड़कर उठाते हैं। कहते हैं, नित्यानंद जी उठो उठो,
चित्त को स्थिर करो और अपने मनोवांछित संकीर्तन को श्रवण करो। जिस कीर्तन के निमित्त तुमने अवतार ग्रहण किया है वह तो सिद्ध हो गया, अब तुम और क्या चाहते हो। तुम प्रेममय हो और प्रेम भक्ति तुम्हारी ही वस्तु है, तुम्हारे दिए बिना किसी में वो भक्ति नहीं हो सकती। अब आप अपने को संभाल कर उठें और अपने जनों की ओर देखें और जिसे चाहें उसे प्रेम भक्ति दें। जिसका आपके प्रति तिलार्थ भी द्वेष भाव रहेगा वह मेरा भजन करने पर भी कभी मेरा प्रिय नहीं होगा। प्रभु के वचनों से निताई प्रभु चेतनता लाभ करते हैं और षडभुज के दर्शन से परम आनंद को प्राप्त होते हैं। जिन अनंत देव के हृदय में श्री गौरचंद्र निवास करते हैं उन्हें प्रभु नित्यानंद जानो, विस्मय मत करो। जिन अनंत देव के हृदय में श्री गौरचंद्र निवास करते हैं उसी अनंत देव को आप नित्यानंद प्रभु समझिए, विस्मय मत कीजिए। उनके लिए छह भुजाओं का दर्शन कौन सी अद्भुत बात है, ये सब तो कौतुक है जो अवतार का अनुरूप ही है। जैसे श्री रामचंद्र ने पिंड दान किया था तो दशरथ जी ने प्रत्यक्ष होकर ग्रहण किया था। तारेंगे गया में भगवान राम पिंड दान जब किए थे तो भगवान महाराज दशरथ वहाँ प्रत्यक्ष प्रकट होकर आए और प्रकट हुए, एक्सेप्ट किए, बता रहे। उस चरित्र को यदि अद्भुत कहा जाए तो यह भी अद्भुत है। निश्चय ही ये सब श्री कृष्ण के कौतुक हैं। नित्यानंद जी ने स्वरूप नित्यानंद जी के स्वरूप का यह एक नित्य स्वभाव है कि तिलार्ध काल के लिए भी दास भाव का त्याग नहीं होता है। नित्यानंद जी कौन से भाव का त्याग नहीं करते? दास भाव का, एक क्षण के लिए भी दास भाव को नहीं त्यागते हैं। जैसे लक्ष्मण जी का यह स्वभाव है कि श्री सीतानाथ के दास में वो निरंतर अपने मन प्राण धन सर्वस्व को लगाए रखते हैं, है ना। वैसे ही नित्यानंद स्वरूप का भी मन निरंतर श्री चैतन्य चंद्र के दास में अर्पित रहता है। यद्यपि श्री अनंत देव ईश्वर हैं, निराश्रय हैं, अर्थात सबके आश्रय होने के कारण उनका कोई आश्रय नहीं है। सृष्टि स्थिति प्रलय के हेतु हैं तथा जगन्मय हैं। जिस समय सारी सृष्टि का लय हो जाता है उस समय भी अनंत रूप स्थिर रहता है, ऐसा वेद कहते हैं। ऐसी महिमा होने पर भी श्री अनंत देव का यही स्वभाव है कि वे निरंतर प्रेममय दास भाव में ही अनुरागवान हैं। इतने महान होते हुए क्या मानते हैं अपने को? दास भाव है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। विचार करके देख लो कि प्रत्येक युग में प्रत्येक अवतार में उनका स्वभाव दास का ही रहा है। जो भी अवतार लिए हैं सब में क्या भाव रहा है? दास भाव। श्री लक्ष्मण जी के अवतार में छोटे भाई बनकर अनंत देव दास भाव में निरंतर श्री राम जी की सेवा करते हैं। अन्न जल और निद्रा को त्याग करके श्री राम के चरण कमलों की सेवा करके भी आपकी सेवा की लालसा पूरी नहीं हुई। और बलराम अवतार में बड़े भाई होने पर भी आपने कभी भी भीतर हृदय में दास भाव को नहीं छोड़ा। बड़े भाई थे लेकिन फिर भी हृदय में क्या कौन सा भाव था? दास भाव था। बड़े होने पर भी कभी कभी आप श्री कृष्ण से स्वामी कह करके भी बोलते हैं, उनको स्वामी भी बोलते थे, है ना, और कहते हैं कि भक्ति को छोड़ कभी भी मेरी अन्य मति ना हो। ब्रह्मा के बालक और बछड़ों को चुराने पर जब श्री कृष्ण ही समस्त बालक और बछड़े बन गए तो उस प्रसंग में बलराम जी बोले, यह माया कौन है, कहाँ से आई है? यह देवताओं की माया है या मनुष्यों की या आसुरों की? नहीं नहीं, यह तो मेरे प्रभु की माया है, कारण कि औरों की माया मुझे विमोहित नहीं कर सकती है। वही प्रभु अनंत महाशय स्वयं ही नित्यानंद महाप्रभु हैं, इसे निश्चय जानो। इस कारण जो नित्यानंद और बलराम में भेद दृष्टि करता है वही मूढ़मति है। सेवा की ही मूर्ति जो श्री नित्यानंद हैं उनके प्रति जिसका अनादर है उसका सदा भगवान विष्णु के निकट अपराध जानो। उदाहरण स्वरूप श्री रामचंद्र जी का यह वाक्य है कि लक्ष्मण के मंत्र को जपे बिना जो श्री राम का मंत्र जपता है उसका कार्य सत कोटि कल्पों में भी सिद्ध नहीं होता है। जिस प्रकार लक्ष्मी जी ब्रह्मा महेश आदि के वंदनिया होने पर भी उनका स्वभाव प्रभु के चरण कमलों की सेवा करना ही है, उसी प्रकार शेष भगवान यद्यपि सर्वशक्ति करके संयुक्त हैं तथापि उनके स्वभाव का धर्म प्रभु की सेवा ही है। अतः उनके जैसा स्वभाव है उनका जैसा स्वभाव है उसका वर्णन करने से वे सबसे अधिक प्रसन्न होते हैं, है ना। मतलब उनको उनका जैसा स्वभाव है दास्य भाव, है ना। तो अगर कोई उनके दास्य भाव का वर्णन करता है तो नित्यानंद प्रभु को क्या लगता है? बड़े प्रसन्न होते हैं। कोई उनको उनको याद दिलाता है कि वो दास हैं चैतन्य महाप्रभु को तो बड़ा खुश होते हैं उससे, है ना। ये विशेष बात है। ईश्वर का स्वभाव है कि वे केवल भक्ति के बस में रहते हैं और उनके अपने भक्तों का यह सुनने में बहुत विशेष सुख मिलता है।
परस्पर के स्वभाव का वर्णन करने से विष्णु और वैष्णव जन दोनों प्रसन्न होते हैं। अतः वेद इन्हीं दोनों के स्वभाव चरित्र का वर्णन करते हैं। विष्णु और वैष्णव का तत्व जैसा कि पुराणों में कहा है उसी प्रमाण के अनुसार मैं वैसा ही लिखता हूँ। श्री नित्यानंद स्वरूप की वाणी और मन में बस यही है कि श्री चैतन्य देव ईश्वर हैं और मैं उनका एक जन हूँ। ये भाव है नित्यानंद प्रभु का। दिन रात उनके श्रीमुख में मैं उनका हूँ और ये सर्वथा मेरे ईश्वर हैं, इसे छोड़ और कोई दूसरी बात नहीं आती है। जो जन श्री चैतन्य चंद्र के साथ मेरी स्तुति करता है वही मेरा सेवक है, वही मुझको प्राप्त होगा। ये सब बातें स्वयं आपने ही षडभुज दर्शन के समय कही है। उन्हीं की प्रसन्नता के लिए मैं उन्हीं की ये सब बातें कह रहा हूँ। परमार्थ में अर्थात तत्व दृष्टि से जो नित्यानंद जी सदा प्रभु के हृदय में ही हैं और सुनिश्चय करके वहाँ दोनों दोनों को देख भी रहे हैं, तथापि अवतार के अनुरूप खेल खेलते हुए वे ईश्वर की सेवा करते हैं, ऐसे इस लीला को समझो। एक है भगवान है जो भगवान है और दूसरे सेवक भगवान जो भगवान की सेवा कर, हालांकि है कौन भगवान ही है लेकिन भगवान की सेवा के भाव में आए। प्रभु नित्यानंद जी आप ही सेवा के इस स्वभाव को स्वीकार करते हैं और उसी को वेद महाभारत पुराण गा गा कर वर्णन करते हैं। प्रभु जो कर्म करते हैं वही वेद हो जाता है, फिर उसे ही सब भेदभाव छोड़कर गाते हैं। भक्ति योग बिना यह बात समझ में नहीं आती है। कुछ लोग ही गौरचंद्र को कृपा से इसे जानते हैं। सब वैष्णव जन नित्य शुद्ध और ज्ञानवान हैं, फिर भी जो उनमें परस्पर में कलह देखने में आता है वह सब एक कौतुक मात्र है। इस बात को समझे बिना कोई कोई भ्रष्ट बुद्धि वाला एक की वंदना करते हैं दूसरे की निंदा करते हैं, वे नाश को प्राप्त होंगे। जैसे कि नारद पुराण में कहा है कि जो प्रतिमा में विष्णु की विधिपूर्वक पूजा करता हुआ उनके जनों के प्रति द्वेष करता है वह सर्व अंतर्यामी भगवान के प्रति ही द्वेष करता है। वह मूर्ख ब्राह्मण के चरणों की पूजा करके उसके मस्तक पर चोट करने वाले की भांति नरक को जाता है। मतलब अगर कोई भगवान की मूर्ति की पूजा करता है लेकिन भक्तों से द्वेष करता है तो वो कभी भी वो मान लेना चाहिए कि वो भगवान से ही द्वेष कर रहा है। हालांकि भगवान की पूजा कर रहा है फिर भी किससे द्वेष कर रहा है, भगवान से ही द्वेष कर रहा है। पूजा भी कर रहा है लेकिन भगवान क्या सोचते हैं, द्वेष कर रहा है। वैष्णव जनों की हिंसा की बात तो दूर रहे, जो अधम साधारण जनों को भी पीड़ा पहुँचाते हैं और श्री विष्णु की पूजा करके भी जो साधारण प्राणी से द्रोह करते हैं उनकी पूजा निष्फल हो जाती है और वे दुख पाकर मरते हैं। मतलब वैष्णव की तो बात छोड़ दीजिए, क्या कह रहे हैं, आम लोगों को साधारण प्राणी को भी अगर कोई कष्ट पहुंचाता है तो भी उसकी विष्णु की पूजा निष्फल हो जाती है, ये बता रहे हैं यहाँ। जो जन सर्वभूत में स्थित भगवान विष्णु को न जाकर प्रकृति की भांति उनकी पूजा करता है वैसा ही है कि जैसे कोई एक हाथ से ब्राह्मण के चरणों को धोए और दूसरे हाथ से उसके माथे पर सिर पर पत्थर मारे। समझे बात को, क्या दही? जो जन सर्वभूत में स्थित भगवान विष्णु को न जाकर प्रकृति की भांति उनकी पूजा करता है, केवल पत्थर में पूजा करता है और बाकी सबके हृदय में जो भगवान स्थित हैं उसको नहीं देखता है और वो न देखते हुए बाकी जीवों के प्रति क्या करता है, हिंसा करता है, कष्ट देता है, द्रोह करता है, ईर्ष्या करता है। तो ये इसकी तुलना किससे की गई है, जैसे कोई एक ब्राह्मण के एक पैर को पैर धो तो धो रहा है उसका लेकिन सिर पे पत्थर मार रहा है, इतना सीरियस पॉइंट है। सोच कर समझो तो सही कि इन सब लोगों का क्या कभी कुशल हुआ है या होगा। सोच कर समझो तो सही कि इन सब लोगों का क्या कभी कुशल हुआ है या कभी कुशल होगा, नहीं होगा, ऐसे लोगों का भी कुशल नहीं होगा। जितना पाप साधारण जीव की हिंसा से होता है उससे 100 गुना पाप वैष्णव निंदा से होता है।
मूर्ति की तो श्रद्धा से पूजा करे परंतु भक्त का आदर ना करे तथा मूर्ख नीच और पतित जनों पर दया न करे तथा प्रभु के अवतारों में भेदभाव रखे। क्या प्रभु के अवतार में भेदभाव रखे, ऐसे सब जनों को शास्त्र में अधम भक्त कहा गया है। एक अवतार को भजे पर दूसरे को न भजे, श्री कृष्ण और श्री राम में भेद का व्यवहार करे तथा बलराम और शिव जी के प्रति भक्ति भाव न रखे, ऐसे सब लोगों को शास्त्र में अधम भक्त कहा गया है। श्रीमद्भागवत में कहा है कि जो केवल अर्चा विग्रह में ही श्रद्धा पूर्वक श्री हरि की पूजा करते हैं परंतु न उनके भक्तों का और न और जीवों का आदर करते हैं, वे प्राकृत भक्त कहे जाते हैं। यह प्रसंगवश अधम भक्त के लक्षण कहे गए हैं। बोल रहे हैं मेरा ऐसा कुछ भाव नहीं था कहने का किसी को अधम, लेकिन प्रसंग ऐसा आ गया इसलिए कह रहा हूँ। देर इज लॉट ऑफ मैसेज। यहीं पर श्री नित्यानंद जी के षडभुज दर्शन का प्रसंग पूर्ण हो गया। नित्यानंद जी के षडभुज दर्शन के इस प्रसंग को जो सुनेगा वह बंधन मुक्त हो जाएगा। जब नित्यानंद जी बाहरी दशा में आए तो वे रोने लगे, उनके दोनों कमल नयनों से महानदी बह चली। तब महाप्रभु ने सब लोगों से कहा कि अब व्यास पूजा तो पूरी हो गई, अब कीर्तन करो। प्रभु की आज्ञा पाकर सबको बड़ा आनंद हुआ और अचानक चारों ओर कृष्ण नाम धुन होने लगी। श्री नित्यानंद और श्री गौरचंद्र एक ठौर पर नृत्य करते हैं। दोनों भाई महामत हो रहे हैं, किसी को बाहर की शुद्धि नहीं है। वैष्णव वृंद सब आनंद में नाच रहे हैं। के हो नाचे के हो गाए के हो गड़ी जाए, सभे चरण धरे जे जहाँ पाए। चैतन्य प्रभु र माता जगते र आई, निवृत बसिया रंग देखे न तथाई। विश्वम्भर नित्यानंद देखी दुई जन मोर पुत्र न बस माने, यस पूजा महोत्सव परम उदार, अनंत प्रभु से पारणी बार। सूत्र आमी किछु नहीं कही चैतन्य चरित, जिते मते कृष्ण गाई हयिता। इन अवशेष हैल व्यास पूजा रंगे, नाचे न वैष्णव गण संभर संगे। परानंद मत मा भगवत गण, हा कृष्ण बलिया सब न किसान। मते निज भक्ति जोग प्रकाशिया, हिरहला विश्वम्भर सर्वणिया। ठाकुर पंडित प्रति बोले विश्वम्भर, जैसे नई वेद सत्वर। चढ़े आनी लेन सर्व उपहार, अपने ही प्रभु हसे लेन सवार। प्रभु रहस्य द्रव्य पाई तत्क्षण, आनंदे भोजन करे भगवत गान। जते कहते लगे बाड़ी रवि तारे, सभारे डाकिया प्रभु रानी जकारे। समाधि पाइया जहाँ भाग्य है न माने, कहाँ पाए वैसा मेरा सीधा सवाने। सब कौतुक जत श्रीवास रे, एते श्रीवास भाग्य बलि पारे। हेई मत नाना दिन नाना से कौतुके, नवदीपे हए नाही सर्वलोके। कृष्ण चैतन्य नित्यानंद चंद्र जान,
वृंदावन हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम व्यास पूजा महा महोत्सव में महान कौतूहल हो रहा है। कोई नाच रहे हैं, कोई गा रहे हैं, कोई धरती पर लौट रहे हैं, सब ही चरण पकड़ रहे हैं। जिसका जिसे मिल जाए, जिसका जिसे मिल जाए उसी का पकड़ रहा है। श्री चैतन्य प्रभु की माता जगत माता सची देवी वहीं पर एकांत में बैठी हुई हैं। यह सब कौतूहल देख रही हैं। हैं क्या देख रही हैं? कौतूहल देख रही हैं। श्री विश्वंभर और नित्यानंद को देखकर ही दोनों जने मेरे ही पुत्र हैं ऐसा उनके मन में लग रहा है। व्यास पूजा महोत्सव तो परम उदार है, उसका वर्णन एक अनंत देव ही कर सकते हैं और कोई नहीं। मैं तो श्री चैतन्य चरित के कुछ सूत्र ही कह रहा हूँ, कारण कि जिस दिन किस प्रकार से श्री कृष्ण का गुणगान करने से ही हित होता है। व्यास पूजा के आनंद में दिन बीत गया। वैष्णवगण श्री विश्वंभर के साथ नाच रहे हैं। सब महाभागवत जन परम आनंद में मतवाले हो रहे हैं और हा कृष्ण कह कहकर रुदन कर रहे हैं। इस प्रकार अपने भक्तियों को प्रकाशित करके श्री विश्वंभर अपने सब भक्तों के सहित स्थिर हो गए। फिर श्रीवास पंडित से बोले कि व्यास पूजा के सब नैवेद्य को शीघ्र ही ले आओ। श्रीवास पंडित बोले कि जो भी प्रसाद है लेके आओ। वे तत्काल सब सामग्री ले आए। उसे प्रभु ने स्वयं अपने हाथ से सबको बाँट दिया। प्रभु के श्रीहस्त का प्रसाद पाकर तुरंत ही सब भक्तजन आनंद से उसे पाने लगे। उस घर के भीतर जितने भी मनुष्य थे सबको बुलाकर प्रभु ने अपने हाथों से उनको प्रसाद दिया। जिसको पाकर ब्रह्मा आदि भी अपना परम सौभाग्य समझते हैं उसी को वैष्णवों के दास दासी जन तक पा रहे हैं। यह सब कौतुक चरित श्रीवास जी के घर में हुआ, अतः श्रीवास के भाग्य कौन कह सकता है। इस प्रकार से नवद्वीप में दिन दिन में नाना प्रकार के कौतुक होते हैं जिन्हें सब नहीं जानते हैं। श्री कृष्ण चैतन्य और श्री नित्यानंद को ही जानने वाला वृंदावन दास उनके जुगल चरणों में कुछ उनका ही गुणगान करते हैं। इस प्रकार से श्री चैतन्य भागवत के मध्य खंड का व्यास पूजा वर्णन नामक अध्याय पांचवा अध्याय समाप्त हुआ। किसी का कोई प्रश्न है? एक भक्त ने मुझे आज फोन करके प्रश्न पूछा था आपसे। उनका कहना था कि सतयुग का और कलयुग का नाम उन्हें पता है, किस कारण से सतयुग और कलयुग कहा जाता है, तो अपर और त्रेता युग को ऐसा क्यों कहा जाता है, ऐसा नाम इसका? कल हम लोग चर्चा करेंगे। अद्वैत आचार्य से मिलन होगा, गौर और निताई दोनों का मिलन होगा अद्वैत आचार्य के साथ। अभी तो गौरांग महाप्रभु नित्यानंद प्रभु का मिलन होगा, हाँ, अद्वैत आचार्य भी पार्टी में शामिल होंगे कीर्तन मंडली में कल। यस, प्रश्न पूछिए। मुझे वो जानना चाहते थे कि द्वापर युग और त्रेता युग का नाम के सिग्निफिकेंस क्या है, द्वापर और त्रेता क्यों कहा जाता है? सेकंड नंबर और थर्ड नंबर है इसलिए। मुझे भी नहीं पता। एक ड्यूटी जानना चाहते हैं कि डिवोशनल सर्विस में वैष्णव डीलिंग कितनी इम्पोर्टेंट है। जैसे सांस इम्पोर्टेंट है जीवन के लिए,
नेक्स्ट शास्त्र पढ़िए, बहुत कठिन है, बट हाँ भगवान की जब कृपा होगी तो होगा। भगवान की कृपा कैसे होगी? ATC फॉर्मूला बता चुका हूँ, ATC, एडमिट ट्राई एंड क्राई। एडमिट कीजिए और ट्राई कीजिए, ट्राई एंड देन क्राई, क्राई प्रे वाइल टीयर्स इन आईज, आँखों में आंसू प्रे कीजिए भगवान से। जैसे कोरोना से जो पीड़ित है, कोरोना जब किसी को हो जाता है और गले में फंस जाता है, सांस नहीं ले पा रहा है, तो कैसे पीड़ित होकर तड़पता है। क्या हम उतना तड़प रहे हैं कृष्ण के लिए कि हमने अपने सम्मान की इच्छा को मुझे त्यागना है, हे कृष्ण मैं तड़प रहा हूँ आपके बिना। तो इतने ऐसे सोच के कि ये बहुत गलत है मेरे अंदर, उसके सिर इतना कितना गलत है, उसकी ग्लानि महसूस करते हुए अगर हम भगवान से प्रे करेंगे तो भगवान आपको ज़रूर कृपा करेंगे। लेकिन हम केवल प्रश्न पूछते हैं, है ना। कभी एकांत में बैठ के हमें सोचना चाहिए, ग्लानिंग करनी चाहिए कि मैं अपनी प्रतिष्ठा के पीछे क्यों भागता हूँ, मैं क्या मिलेगा इससे मुझे, है कभी ऐसा सोचना चाहिए। और तब जितना आप इस पर मेडिटेट करेंगे अकेले में, उतना ही ज़्यादा हम इस प्रतिष्ठा की इच्छा से मुक्त होंगे। और प्रे करना भगवान से, प्रे करना ये बहुत ज़रूरी है। और कोई प्रश्न है जी? प्रभु जी डिवोटी जानना चाहते हैं कि चैतन्य चरितामृत और चैतन्य भागवत में क्या डिफरेंस है? चैतन्य चरितामृत और चैतन्य भागवत में कुछ डिफरेंसेज ये हैं कि लीलाओं, अलग अलग लीलाओं का वर्णन किया गया है। एक तो जो लीलाएं चैतन्य भागवत में वर्णित नहीं हो पाई थी, उन लीलाओं को चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने विशेष स्थान दिया है। और दूसरा है कि चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं का बहुत विस्तार से वर्णन है, सिद्धांत तत्व उसको, जैसे रूप शिक्षा, सनातन गोस्वामी की शिक्षा, चैतन्य महाप्रभु रामानंद राय संवाद, है ना, इस प्रकार से नाना प्रकार के फिलोसॉफिकल डिस्कशंस और तत्व बताया गया है डिटेल में, है ना। ये चैतन्य चरितामृत का विशेष है, तत्व पे ज़्यादा जोर दिया गया है लीला के साथ साथ, है ना। और विशेष रूप से अंत लीला का ज़्यादा, जगन्नाथपुरी की ज़्यादातर लीलाओं का वर्णन, काफ़ी लीलाओं का वर्णन कृष्णदास कविराज जी करते हैं मध्य लीला और अंत लीला में, चैतन्य चरितामृत में। और चैतन्य भागवत में मोस्टली नवदीप की लीला, नवदीप में जो मैक्सिमम लीलाओं का डिटेल में वर्णन किया गया है वृंदावन दास ठाकुर जी के द्वारा चैतन्य भागवत में, और बाकी लीलाओं का वर्णन, वृंदावन यात्रा, साउथ इंडिया यात्रा, ये सब का वर्णन जो है वो चैतन्य चरितामृत में। संन्यास के बाद की ज़्यादातर लीलाओं का वर्णन चैतन्य चरितामृत में हुआ है। और कोई प्रश्न है जी? प्रभु जी, प्रभु जी डिवोटी जानना चाहते हैं क्या विश्व रूप जो नित्यानंद प्रभु एक ही है? तत्व तो एक ही है, एक ही तत्व, तो दो रूप, दो शरीर धारण किए हैं। नेक्स्ट, एक डिवोटी का कहना है कि जब हम भगवान की भक्ति करते हैं और बदले में भगवत धाम में गोलोक जाने की इच्छा रखते हैं, तो क्या ये हमारा स्वार्थ नहीं होगा? मतलब हम भगवान से ट्रेडिंग कर रहे हैं, क्या भाव हमारा ऐसा नहीं होना चाहिए कि भगवान हमें जो दे वो स्वीकार है, हम भाव से उनकी पूजा करें? हमें सेवा करना है, भगवान जी कहाँ सेवा देंगे उनके ऊपर निर्भर करता है। जहाँ भी देंगे वहाँ सेवा करिए, ख़त्म। आप आर्मी में ज्वाइन करते तो बस आर्मी में सेवा करने जाते हो, आर्मी बोलती है कश्मीर जाओ तो कश्मीर जाओ,
है नहीं, आर्मी बोलती है नहीं कोरोना बीमारी आ गई अब दिल्ली में जाओ तो दिल्ली जाओ, आप आर्मी ज्वाइन कीजिए, कहाँ जाए मौका मिलेगा वो भगवान के ऊपर है कि नहीं। भक्त कहीं भी भगवान भेज देते हैं वहीं पे वो उनकी सेवा में लगा रहते हैं, ये शुद्ध भक्ति है कहीं भी। और भगवान जो है अगर चाहते कि गोलोक आ जाओ और सेवा करो तो वहाँ भी जाके तो कर लेंगे, क्या दिक्कत, करना तो सेवा ही है ना। पर हाँ अगर लोग मुझे बुला दे तो और अच्छी बात है, पर अगर नहीं बुलाएं तो भगवान जहाँ भी रखेंगे वहीं पर सेवा करने के लिए तैयार रहना चाहिए उनकी प्रसन्नता के लिए। अगर गोलोक बुलाए तो और अच्छी बात है, सुने उसको आ गए। ये भी नहीं करना चाहिए कि मैं गोलोक नहीं जाना चाहता, मैं इतना उच्च कोटि का भक्त हूँ कि गोलोक से मेरे को घृणा है। मैं इतना निस्वार्थ हूँ कि गोलोक का नाम सुनते ही मैं कान बंद कर लेता हूँ, ऐसा भी नहीं होना चाहिए है ना। गोलोक विशेष स्थान है, उसका तो महत्व है ही, और लालसा तो रखनी ही चाहिए कि अगर ठाकुर जी कृपा हो जाए। और मोरे अभिलाष विलास कुंजे दियो वास नयन हेरी बो सदा जुगल रूप रासी। इसका अर्थ क्या हुआ तो रोज हम गाते हैं तो क्या कर रहे हैं, मोरे ये विलास विलास कुंजे दियो वास, ब्रज राधा कृष्ण सेवा पाओ ये अभिलाषी है कि नहीं। यही निवेदन धरो सखी रन व्रत करो सेवा अधिकार दियो करो निदासी, मोरे ये विलास विलास कुंज दियो वास। तो विलास कुंज कहाँ है, दिल्ली में है, कहाँ है विलास कुंज बताइए, गोलोक में ही है ना, ब्रज में है कि दिल्ली में है। सो लाइक दैट, तो अभिलाषा हमेशा रखनी चाहिए है ना, नहीं तो आप सर लौल्यम क्या लौल्यम एको मूल्यम, तो हम पर गोलोक क्यों जाना है ये मटेरियलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग से आप हम लोग समझने का प्रयास कर रहे हैं इन सब चीज़ों को, इसलिए दिक्कत हो रहा है समझने में ना। गोलोक की माधुरी के लिए जा रहे हैं, ऐश्वर्य के लिए नहीं जा रहे हैं। मधुर वृंदा विपिन माधुरी प्रवेश चातुरी सा बरज जुवती भावे रभकति सकति होई तुका। मधुर वृंदा विपिन माधुरी प्रवेश चातुरी सा, वृंदावन की विपिन माधुरी माधुरी उस माधुरी की लालसा में है, माधुरी की लालसा न ऐश्वर्य नहीं माधुरी, कौन माधुरी मधु का आस्वादन नहीं करना चाहता प्रभु, कौन नहीं करना चाहता, वो माधुरी है ही इतनी आकर्षक। आप बोलोगे कि नहीं मैं गोलोक जाने की इच्छा नहीं करता उस माधुरी का, तो ये झूठ बोल रहे हैं, वो नेचुरल है नॉट आर्टिफिशियल। हाँ ये बात अलग है कि भगवान हमें बोल दें कि नहीं आप हमसे दूर चले जाओ तो ठीक है, वहाँ भी विप्रलम्ब भाव में सेवा करेंगे विप्रलम्ब, वहाँ भी गोलोक में ही रहना है विप्रलम्ब गोलोक उसको बोलते हैं विप्रलम्ब गोलोक। कहीं भी रहिए तो विप्रलम्ब गोलोक में ही रहिए, संभोग गोलोक एंड विप्रलम्ब गोलोक है कि नहीं, ऑलवेज यू हैव बी इन गोलोक, गोलोक से दूर मत जाइए। तस्मात सर्वे सुकालेषु गोलोक स्मरण युद्ध चल,
ग्लोक अनुस्मर युद्ध च तस्मात सर्वे सुकाले से, उसी ग्लोक का स्मरण करके युद्ध करो। दैट इज गोल, ये नहीं कि नहीं हम ग्लोक भी नहीं जाएंगे, अरे मत जाइए ग्लोक, लेकिन स्मरण तो कीजिए ग्लोक का, विप्रलम्ब भाव में रहिए। तो लालसा होनी चाहिए ग्लोक की, तभी तो विप्रलम्ब में रहेंगे, है कि नहीं। संभोग की लालसा से भी प्रलम्ब की भाव आता है ना, है कि नहीं। असंभोग की लालसा ही नहीं है तो प्रलम्ब का भाव कहाँ से आएगा। तो दूर भी रहिए तो उसी भाव में रहिए। हैं देखिते देखिते है ना, ये गीत भक्तिनाथ ठाकुर जी ने लिखा है, बहुत सुंदर गीत है, आपको पढ़ के सुनाता हूँ तब आप समझ पाएंगे, है ना। आचार्यों ने, इसलिए आचार्यों के मूड को समझना चाहिए, है ना। बहुत सुंदर गीत है, पेज नंबर 148 पर है सॉन्ग बुक में, है ना। देखिते देखिते भूलिबो वा कबे निज स्थूल परिचय, नयने हेरिबो ब्रजपुर शोभा नित्य चिदानन्दम, वृषभानुपुरे जनम लइबो जावटे विवाह हबे, ब्रज गोपी भाव हईबे स्वभाव आन भावना रहिबे, निज सिध देह निज सिध नाम निज रूप स्वसन, राधा कृपा बोले लभी बवा कबे कृष्ण प्रेम प्रकरण, जमुना सलील अहरणे गिया बुझिबो जुगल रस, प्रेम मुग्ध हए पागलिनी प्राय गाइबो राधार जस, गाइबो राधार जस, गाइबो राधार। कब धाम के वैभव का दर्शन करते हुए मैं अपनी स्थूल भौतिक देह से संबंधित निज परिचय को विस्मृत करूंगा तथा अपने नयनों से नित्य चिदानंदमय वृंदावन की शोभा के दर्शन करूंगा, कब वो दिन आएगा। तो भक्तिविनोद ठाकुर इसका मतलब क्राइम कर रहे हैं ऐसा करके, अगर आपका बात सही माना जाए कि धाम की जान दर्शन करने की अभिलाषा नहीं होनी चाहिए, शुद्ध भक्ति नहीं है ये, तो भक्तिविनोद ठाकुर शुद्ध भक्ति नहीं कर रहे हैं, है कि नहीं। करें ना कि कब मैं अपने नैनों से नित्य चिदानंद में वृंदावन की शोभा का दर्शन करूंगा, कब, तो ये शुद्ध भक्ति नहीं है ना, ये तो अपने सुख के लिए इच्छा कर रहे हैं। कब मैं महाराज वृषभानु के राज्य में जन्म लूंगी तथा जावट में विवाहित हो जाऊंगी, कब मैं स्वाभाविक रूप से श्री ब्रज गोपिकाओं का भाव विकसित कर पाने में सक्षम हो बनूंगी तथा भौतिक कामिक्षाओं की लोलुपता का परित्याग कर दूंगी, कब मैं अपने चिन्मय सिद्ध शरीर अपना सिद्ध नाम आध्यात्मिक शरीर में अपनी नित्य सेवा तथा अपने चिन्मय वस्त्र प्राप्त कर सकूंगी, कब श्री राधिका की कृपा के बल पर मुझे श्री कृष्ण प्रेम धन प्राप्त होगा, कब मैं श्री यमुना में जल भरने जाऊंगी तथा मुझे दिव्य जुगल किशोर के रस आनंद की अनुभूति होगी, इस प्रकार भगवत प्रेम में मुग्ध होकर मैं एक पागल की भांति नाचूंगी तथा श्री राधा का जसगान करूंगी। तो इसका मतलब क्या है, शुद्ध भक्ति में भगवत धाम जाने के लालसा उसमें होनी चाहिए, लालसा यही तो लालसा है, लालसा में प्रार्थना इसको बोलते हैं,
तो ये बहुत आवश्यक है, ये ही तो अब प्रयोजन है। अब प्रयोजन को ही अगर आप बोलोगे कि प्रयोजन ही नहीं प्राप्त करना चाहते हैं, तो फिर क्या प्राप्त करना चाहेंगे? लक्ष्य क्या रहेगा आपका? लक्ष्य क्या है हमारा? तो ये प्रश्न तब उठेगा जब हमने गोलोक को अच्छे से समझा नहीं है। अगर गोलोक को अच्छे से समझ लेंगे तब ये प्रश्न नहीं उठेगा। गोलोक जो है वो धाम अपने सुख के लिए का धाम है ही नहीं। वहाँ पे क्यों कृष्ण के सुख के अलावा और कोई काम हो ही नहीं सकता है, संभव ही नहीं है। तो ये सोचना कि हम अपने सुख के लिए गोलोक जा रहे हैं, ये इसका मतलब आपको गोलोक के बारे में नॉलेज नहीं है। अपने सुख के लिए कोई गोलोक जा ही नहीं सकता, वो ये पॉसिबल वहाँ स्कोप ही नहीं है आपका अपना पर्सनल सुख, क्योंकि काम है ही नहीं, काम भावना वहाँ है ही नहीं। गोलोक का वास्तविक स्वरूप समझ लेंगे तो इस तरह का प्रश्न नहीं उठेगा, फिर हम वहाँ जाना चाहेंगे, क्योंकि सेवा का सबसे उत्कृष्ट स्थल गोलोक धाम है। और कोई प्रश्न है? जी नोटी जानना चाहते हैं कि चैतन्य भागवत और चैतन्य चरितमृत आपने बता दिया, चैतन्य मंगल जो लोचन दास ठाकुर जी ने लिखा है वो क्या? चैतन्य मंगल भी चैतन्य महाप्रभु की लीला का एक ग्रंथ है, उसमें भी कुछ दिव्य लीलाओं का वर्णन है ना? और क्या है पढ़ लीजिए, समझ में आ जाएगा, नहीं तो कभी टाइम आएगा तो उस पर भी कथा हो जाएगी। चैतन्य मंगल ग्रंथ है, भगवान की लीला का वर्णन है उसमें भी। जैसे चैतन्य भागवत है उस तरह से एक और ग्रंथ है भगवान चैतन्य की लीला का वर्णन करने के लिए, इसका नाम है चैतन्य मंगल, जो लोचन दास ठाकुर जी ने लिखा है। और कोई प्रश्न है? जी जानना चाहते हैं कि कोई भक्ति के साथ साथ पाप कर्म भी करता है तो उसकी गति क्या होगी? भक्ति के साथ पाप कर्म करता है, एक तो दो तरह से व्यक्ति पाप कर्म करता है, एक तो कि चलो पाप भक्ति कर रहा हूँ अब थोड़ा पाप कर सकता हूँ, है ना, मेरा पाप थोड़ा कम हो गया भक्ति करके, अब मैं फिर 5 दिन कर लेता हूँ, है ना, तो ये सोच के पाप करता है, जानबूझ के पाप करता है, प्लानिंग बना के पाप करता है। और एक है कि स्ट्रगल कर रहा है पाप नहीं करने के लिए, बचना चाहता है, है ना, लेकिन फिर भी चूँकि उसकी कंडीशनिंग स्ट्रांग होने के कारण न चाहते हुए भी कभी कभी इंद्रियों पे कंट्रोल नहीं रहता और वो पाप कर बैठता है, तो वो असहाय है। तो उस अवस्था में दो तरह से व्यक्ति पाप करता है, एक तो न चाहते हुए भी बद्ध अवस्था के कारण पाप कर बैठता है, और एक होता है कि वो जानबूझकर पाप करता है और ये सोचता है कि भक्ति करके उसको नष्ट कर दूंगा, है ना, तो ये दो प्रकार के पाप हो गए और दोनों का अलग अलग रिजल्ट मिलता है। तो पहला वाला जो है चीटिंग कहा जाता है, कपट, उसका दंड मिलेगा, वो यमराज पिटाई करेंगे अगर हम जानबूझ के करते हैं, ये सोच के कि एनीवे मैं भगवान को नाम लेके और पाप करता रहूँगा और भगवान का नाम लेता रहूँगा, और ग्लानी नहीं है, पहले केस में ग्लानी नहीं होता है, पाप करता है लेकिन पश्चाताप नहीं है, ग्लानी नहीं है उसको, है ना, और उसको रेक्टिफाई करने के लिए कुछ तपस्या भी नहीं करता है, तो इसका मतलब है कि वो उसको कपट माना जाएगा, और किसी को शेयर भी नहीं करता अपना पाप, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि पाप किया उसने और किसी को के सामने जाकर शेयर नहीं किया, अब तो ये कपट हो जाएगा, फिर उसका दंड मिलता है। और अगर कोई व्यक्ति पाप करता है असहाय होकर, असहाय हो जाता है, इंद्रियों के बलवती हैं इंद्रियां, कभी कभी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती हैं तो करता है,
और करने के बाद उसको बहुत पश्चाताप भी होता है, भगवान से प्रार्थना करता है, गुरु के समक्ष जाकर अपनी अपनी प्रवृत्ति को शेयर करता है और उनसे आशीर्वाद मांगता है, उनकी कृपा की याचना करता है ताकि वो इससे ऊपर उभर सके। तो ऐसा भक्त जो है वो कृपा प्राप्त करेगा भगवान को। और कोई प्रश्न है? प्रभु जी, आपने एक ड्यूटी जानना चाहते हैं, जैसे आपने बताया कि कृष्णा और अन्य अवतार को निम्न समझता है तो वह बहुत अधम है। हाँ। लेकिन हमारे लिए कृष्णा ही परम है, तो इसके ऊपर थोड़ा लाइट दे आपको। लाइट क्या डालना है? जब बोल दिया कि सारे अवतारों को समान मानना है, एक ही व्यक्ति है, अलग अलग रसों का आस्वादन करने के लिए अलग अलग रूप धारण करता है, दैट्स ऑल। भगवान ही है, कृष्ण ही है, वो राम रूप में आते हैं, है ना, दैट्स ऑल। इसको तो समझना चाहिए, ये बता रहे हैं कि राम को कुछ कम आँख के राम के प्रति कुछ दुर्वचन बोल दिया तो ये बहुत बड़ा अपराध माना जाएगा। तो जनरली नए भक्तों के अंदर इसलिए सब चीज़ डिस्कस नहीं करना चाहिए क्योंकि रस तत्व की चर्चा नहीं की जाती है, क्योंकि वो सीधे है ना, फिर बाकी अवतारों को देखेंगे तो उनके मन में हीन भावना आ जाएगी, ये नरसिंह है, नरसिंह तो ये तो माधुर्य भाव में इनसे प्रेम नहीं है, साइड कर दीजिए इनको, अपराध लग जाएगा, है ना। तो इसलिए ऐसा नहीं करना चाहिए। तो सारे अवतार भगवान ने ही लिए हैं, केशव धृता नर हरि रूपा, जय जगदीश हरे। तो हम लोगों को अधिकार नहीं है अवतारों में अंतर करने का, और एक को ज़्यादा वैल्यू देके दूसरे को कम वैल्यू देने का अधिकार हमें नहीं है। हाँ, जो उस लेवल पे भगवान के साथ रिलेशन में पहुंच चुके हैं वो इस तरह से, वो भी निरादर नहीं करते किसी अवतार का। जो जैसे वो अगर भगवान राम को देखेंगे तो उसी में उनको कृष्ण की मूर्ति नज़र आएगी। जैसे चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ जी को देखे तो उसमें उनको श्याम सुंदर नज़र आए, अलारनाथ में जब गए चतुर्भुज उदाहरण दर्शन करने तो वहाँ भी उनको श्याम सुंदर नजर आए। तो नरसिंह देखेंगे, नरसिंह जी का दर्शन नहीं करते थे नरसिंह देव का महाप्रभु, नरसिंह देव के मंदिर में नहीं नाचते थे, नहीं नरसिंह देव प्रणाम मंत्र नहीं गाते थे, साउथ इंडिया यात्रा पे थे तो तो उन्हीं का श्याम सुंदर का ही स्वरूप हर जगह उनको दिखाई देता था। तो ये मैच्योर अंडरस्टैंडिंग है। श्याम सुंदर ही हैं, अलग अलग रूपों में प्रकट हुए, अलग अलग रसों का आस्वादन कर रहे हैं। जैसे कोई स्त्री है तो उसका हस्बैंड घर पे रहता है और वही हस्बैंड ऑफिस में रहता है, तो ऑफिस वाले हस्बैंड को अगर देखेगी तो बोलेगी कि ये मेरे पति नहीं, ये थर्ड क्लास के हस्बैंड हैं। नहीं, सेम ही है, बस वहाँ रस अलग है, दैट्स ऑल, जिस लग जाए व्यक्ति वही है, वहाँ वर्दी में है, घर पर निकर में, व्यक्ति एक ही है ना। इस दृष्टि से देखना चाहिए, भगवान वही है ना, ये नहीं सोचना चाहिए कि चलिए नरसिंह देखो चैतन्य महाप्रभु अचानक नरसिंह बन जा रहे हैं, अचानक वराह बन जाते हैं, अचानक राम बन गए, इसका मतलब क्या है? एक ही व्यक्ति है ना सर, अंतर किस बात का? हाँ, अंतर ये है कि भगवान के जो जो रूप हैं उनके अलग अलग भक्त होते हैं, जो उनकी उपासना करते हैं, उस रस का आस्वादन कराते हैं भगवान को। तो आप जो हैं वो चाहे तो
राम जी के भक्त बन के भगवान श्री राम को उस रस का आस्वादन करा सकते हैं, चाहे आप वैकुंठ जाकर भगवान को आस्वादन करा सकते हैं, चाहे गोलोक जाकर माधुरी रस का आस्वादन करा सकते हैं, दैट इज़ ए डिफरेंट थिंग। पर भगवान सारे एक ही भगवान हैं, अलग अलग अवतारों में प्रकट होकर अलग अलग रसों का आस्वादन कर रहे हैं, इट जस्ट लाइक दैट। भेद नहीं करना है, अचिंत भेद अभेद तत्व। भेद क्या है? रस की दृष्टि से भेद है, तत्व की दृष्टि से कोई भेद नहीं है। रस की दृष्टि से भेद है, ना? भाव की दृष्टि से भेद हो जाता है। वही व्यक्ति है, घर पे रहेगा तो अलग प्रकार से व्यवहार होगा, बाहर जाएगा अलग प्रकार से व्यवहार होता है, लेकिन व्यक्ति तो ही है ना, जस्ट लाइक दैट। हाँ, किसी को घर वाला भाव अच्छा लगता है, किसी को ऑफिस वाला भाव अच्छा लगता है, ना? बट व्यक्ति एक ही है, व्यक्ति अलग अलग नहीं है, उसका भाव अलग अलग है, किसी को कोई भाव पसंद है, किसी को कोई भाव पसंद है, जस्ट लाइक दैट। कोई मूड उस व्यक्ति का पसंद आता है, लेकिन किसी को कोई मूड पसंद आता है। कोई व्यक्ति जो होता है किसी का सौंदर्य से आकर्षित होता है, उसके बल से उसको कुछ लेना देना नहीं होता है। कोई व्यक्ति उसके बल से आकर्षित होता है, सौंदर्य से कुछ लेना देना नहीं है। कोई व्यक्ति करुणा से आकर्षित है, उसके सौंदर्य से, जैसे बंदर जो है आपके सौंदर्य से कोई लेना देना नहीं है उसको, बस उसको आप केला खिलाइए, वो आपके हाथ में केला से आकर्षित होता है। है कि नहीं? आप केला दे के आप उसको बस में कर सकते हैं। आप कितने भी सुंदर व्यक्ति जाए और केला लेके ना जाए तो दो झापड़ मार देगा वो। आपके पास कितना भी बलवान है आप, लेकिन आप बंदर को इम्प्रेस नहीं कर सकते हैं। है कि नहीं? तो भगवान इसलिए बंदरों को कैसे इम्प्रेस करते हैं? उसको खिला देते हैं, उसको मक्खन खिलाते हैं, उनको पता है कि किसको क्या अच्छा लगता है, उसी के अनुसार अपना रूप प्रकट करके उसको संतुष्ट करते हैं ठाकुर जी। अब बंदर के सामने जाकर बांसुरी बजाएंगे, बंदर को तो अच्छा लगेगा, लेकिन मक्खन ज़्यादा विशेष बांसुरी बजा दी आप, बहुत बढ़िया लगा मेरे को, लेकिन लास्ट मक्खन जरूर खिलाइएगा। है कि नहीं? अब ठीक है, डांस कर लेगा बंदर भी, थोड़ा नाच सकता है कभी भगवान के साथ, लेकिन मैंने मक्खन, है कि नहीं? उसका वही भाव है, और भगवान जानते हैं उसका वो भाव, उसी के अनुसार उसके साथ आदान प्रदान करते हैं। तो ये कहना है कि, है ना, अब बंदर का जो भगवान के साथ रिलेशन है, प्रेम है, वो कम है, तो अपराध हो जाएगा बंदर के प्रति, है ना, अपराध हो जाएगा। हमें ये सोचना कि उसका, मैं तो उसके लेवल पे भी नहीं हूँ, है ना। तो ये भाव वास्तविकता है, लेकिन रस की दृष्टि से जब हम ये देखेंगे भगवान को किस में ज़्यादा आनंद आता है, है ना, तो उस दृष्टि से देखा जाता है तो ब्रज का जो प्रेम है उस कृष्ण को सबसे ज़्यादा हार्ट टचिंग लगता है, है ना, इट्स जस्ट लाइक दैट। भगवान को सबसे ज़्यादा एक्सटेसी आता है जब वो ब्रज भाव का आस्वादन करते हैं, ब्रजवासी भक्तों के प्रेम जो है सर्वोत्कृष्ट है। तो भगवान अलग अलग नहीं है, भगवान एक ही है, भक्त अलग अलग हैं, ये समझिए। डिफरेंस भक्तों में है, भगवान में नहीं है। भक्तों में अलग अलग, जैसे मैं हूँ, कोई व्यक्ति बहुत सारे म्यूजिक का उसको नॉलेज है, सारे राग ताल सब जानता है वो, और जब कीर्तन करता है तो वो कोई भी ताल राग गा सकता है। लेकिन अब डिपेंड करता है बजाने वाले के ऊपर कि कुछ लोग होते हैं केवल तीन, कुछ भी राग गाई हो उसी ताल में बजाएंगे, तीन ताल में, तो व्यक्ति चाह के भी वो राग नहीं गा पाएगा उसके सामने, है कि नहीं?
और कई लोग तो कोई भी ताल नहीं बजा सकते, चाह के कीर्तन भी नहीं कर सकता है कि नहीं, कीर्तन भी नहीं कर सकता, तो उसको आता है सब कुछ, है ना। तो मान लीजिए कि किस कोई कीर्तन करने बैठा है और सामने वाला केवल तीन ताल ही बजा पा रहा है, तो तीन ताल में ही गाएगा ना पूरा, तो आप बोलोगे प्रभु जी केवल तीन ताल ही गा रहे थे, इनको और ज़्यादा आता ही नहीं है। नहीं, वो प्रभु जी का ग्रेटनेस है कि वो एडजस्ट करके तीन ताल में सेटिस्फाई हो रहे हैं, है ना, उस भक्त के साथ। उसी तरह से भगवान जो हैं वो नाना प्रकार के रसों के सागर हैं, लेकिन जो भक्त जितनी मात्रा में प्रेम करता है उसी के साथ एडजस्ट करके उसको साथ लीला करते हैं, रसों का आदान प्रदान करते हैं, जस्ट लाइक दैट। लेकिन ब्रजवासी भक्त जो हैं वो सबसे श्रेष्ठ हैं, ये भक्तों में अंतर है। ये बोलेंगे भगवान में भेद मत कीजिए, लेकिन भक्तों में अंतर कर सकते हैं, है ना। कुछ भक्त के भाव बहुत ज़्यादा, इसलिए भक्त बोलते भी हैं कि वो ज़्यादा श्रेष्ठ भक्त हैं, जैसे बृहद भागवतामृत में बताया गया है कि नहीं। ये भक्त से वो शिव जी स्वयं बोल रहे हैं कि मैं कहाँ महान भक्त हूँ ना, मेरे से महान भक्त तो हैं कौन है, प्रहलाद है कि नहीं। लेकिन कभी नहीं बोलो कि राम भगवान राम बोल रहे हैं कि मैं कहाँ बड़ा भगवान हूँ, मेरे से बड़ा भगवान तो कृष्ण है। सुने कहीं ऐसा नहीं होता है। हाँ, भक्त आपस में बोल सकते हैं, भगवान को नहीं बोलना चाहिए कि ये बड़े हैं या छोटे हैं, ऐसे नहीं करना चाहिए। और कोई प्रश्न है? डिवोटी कहते हैं कि उन्होंने ऐसा सुना है कि जो वैष्णव जन पितृ तर्पण नहीं करते हैं, श्राद्ध नहीं करते हैं, उनको कोई दोष नहीं लगता, क्या ये बात सत्य है? और सत्य है तो कैसे है? तो आप डिस्काउंट मिल गया, श्राद्ध तब नहीं लगता जब श्राद्ध के टाइम बचा के भक्ति करेंगे, सेवा करते हैं ना। कुछ इमरजेंसी इम्पोर्टेंट सेवा आ गया जिसके कारण वो श्राद्ध नहीं कर पाए, क्योंकि भगवान की कोई इम्पोर्टेंट सेवा आ गई, या कीर्तन कर रहे हैं या जप करने में मन उनका लग रहा है, कथा है, कथा में बिजी हैं, इसलिए तब तो नहीं लगता है। लेकिन श्राद्ध नहीं करके और बैठ के टीवी अगर देख रहे हैं, हैं, या घर पे सो रहे हैं और बोल रहे हैं कि श्राद्ध करने नहीं जाऊंगा, सोने के लिए टाइम है, हैं, तो फिर लगेगा। अगर आप अपना पूरा समय का सदुपयोग कर रहे हैं भगवान की भक्ति में, तब तो श्राद्ध की ज़रूरत नहीं है, कर्मकांडों की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर हम भक्ति में उस लेवल पे नहीं है, तो हमें प्रयास करना चाहिए कि जो भी सोशल नॉर्म्स हैं, कर्मकांड के जो सिद्धांत हैं, जो वैष्णव तरीके से हैं, उसका पालन करना चाहिए हमें, है ना। ट्रांसेंडेंटल नहीं बनना चाहिए। इसलिए भगवान राम स्वयं श्राद्ध करने गए, भगवान कृष्ण स्वयं श्राद्ध करने गए, भगवान गौरांग महाप्रभु स्वयं श्राद्ध करने गए, है ना। तो इसमें कोई बुराई नहीं है श्राद्ध करने में। लेकिन हाँ, अगर कोई इमरजेंसी सेवा आ गई है, गुरु ने आदेश दे दिया, तो उस सिचुएशन में अगर आप नहीं भी करोगे तो गुरु का आदेश से आपके श्राद्ध का पूरा फल मिल जाएगा, जस्ट लाइक दैट। जैसे भक्तिविनोद ठाकुर जी कहते हैं कि गायत्री तो रोज करना ही है, संध्या संध्या गायत्री संध्या, लेकिन अगर कथा चल रही है भगवान की, अब मान लीजिए कथा 5 बजे शुरू हुई और 8 बजे तक चल रही है, और 6 बजे गायत्री का टाइम है, तो कथा के बीच में तो आप गायत्री नहीं कर पाए, तो क्या करना चाहिए? कथा से हट के गायत्री करना चाहिए या कथा सुनना चाहिए उस सिचुएशन में? भक्तिविनोद ठाकुर जी कहते हैं कि बेहतर है कि कथा सुनिए, कथा सुनना चाहिए, कथा से उठ कर नहीं जाना चाहिए, कथा ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है उस सिचुएशन में, तो उसमें गायत्री का फल मिल जाता है, क्योंकि आप कथा में बैठे हैं, तो वो भी भगवान की भक्ति है, कांग है। लेकिन अगर सो रहे हैं और गायत्री भी नहीं कर रहे हैं और सो रहे हैं कि हम मैं भक्त हूँ, मेरे को गायत्री करने की ज़रूरत नहीं है, सो रहे हैं, तो सोना भक्ति नहीं है ना। हाँ, अगर बहुत थके हुए इतनी सेवा से और सो रहे हैं तो अलग बात है कि आपने बहुत सेवा कर लिया किया था पिछले दिन, इसके कारण नींद
शरीर को रेस्ट देने के लिए, विश्राम देने के लिए सो रहे हैं तो, लेकिन इंद्रिय तृप्ति करने के उद्देश्य कर रहे हैं अगर हम कर्मकांडी नियमों को तोड़कर, तो उसका परिणाम भुगतना पड़ता है, तो सही नहीं है। इस तत्व को समझिए, फिर सिद्धांत को समझना चाहिए, पीछे क्या सिद्धांत है, जब वो समझ जाएंगे तो फिर इसको हर एक क्वेश्चन नहीं, कई क्वेश्चंस के आपको आंसर मिल जाएंगे। सिद्धांत ये कि आप इंद्रिय तृप्ति भगवान की भक्ति को के कारण अगर आप कर्मकांड को त्याग रहे हैं, तब आपको कोई ज़रूरत है कर्मकांड करने का, लेकिन अगर भक्ति है तो भक्ति को प्रायोरिटी दीजिए, कर्मकांड को साइड कर सकते हैं, अन्यथा कर्मकांड करना चाहिए। और उसमें भी हर कर्मकांड को करने का एक वैष्णव तरीका है, एक तो कर्मकांड तरीका है, एक वैष्णव तरीका है जो हरि भक्ति विलास में गोपाल भट्ट गोस्वामी ने वर्णन किया है। तो वैष्णव तरीके से करना चाहिए हमें कर्मकांड, जिससे कि उसमें कृष्ण का स्मरण हो, फोकस सेंटर में कृष्ण रहे। तो इस तरह से दो चीज़ मैंने बताया है ना, ओके। लास्ट क्वेश्चन मेरा एक डिवोटी जानना चाहते हैं कि जगदीश पंडित जी के घर से महाप्रभु जी ने एकादशी प्रसाद क्यों मंगवाया था, और जगदीश पंडित जी का क्या बैकग्राउंड है? द्वादश गोपाल में एक हैं जहाँ तक मैंने सुना है, 64 समाधि बुक में जो है आप जगदीश पंडित जी के बारे में पढ़ सकते हैं, किताब है 64 समाधि, उसमें उनका डिटेल में पिछले जन्मों में क्या थे वो सब वर्णन दिया हुआ है। उनके घर से नैवेद्य प्रसाद मंगवाया क्योंकि उनके घर एकादशी के दिन एकादशी प्रसाद बना था नॉन ग्रेन, महाप्रभु इसलिए नॉन ग्रेन खाना चाहिए, एकादशी के दिन अनाज नहीं खाना चाहिए, इसी खाना चाहते थे महाप्रभु। नेक्स्ट, थैंक यू, हरे कृष्ण।